Welcome back, students. Assalamu alaikum. Unit 2 System of Real Numbers, Exponents and Radicals. This is the first part of this unit, and in this part, we will learn rational numbers, irrational numbers, set of real numbers, as well as exponents. Concept of Rational Numbers an integer positive or negative or a fraction that can be written in the form of p upon q is called rational number in terms of set builder form we can denote it as q equals to x such that x equals to p upon q and p and q are the members of z such that q is not equals to 0 for example 1 2 3 and so on

तो ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं यानी होल नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव सारे एक सेट में लिख दिए जाएँ तो वो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं तो सेट ऑफ इंटीजर्स को हम से ताल्लुक रखने वाले किसी भी नंबर को अगर हम p अपॉन q यानी एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें p को हम मान लें नोमिनेटर है और q एक डिनोमिनेटर है ठीक है तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं यही चीज़ यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी है कि एक्स का एक्स कोई नंबर है जो कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जाएगा और पी क्यू का ताल्लुक़ किससे है सेट ऑफ इंटीजर्स से और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता कभी भी ज़ीरो नहीं लिखा जाएगा ठीक तो है तो फॉर एग्जाम्पल दी गई है वन टू थ्री एंड सो ऑन ये होल नंबर्स में इसी तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में वन अपॉइंट टू थ्री अपॉइंट फोर वन अपॉइंट फोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहाँ पर हमने एक टर्म यूज़ की है फ्रैक्शन और इससे हम अच्छी तरह जानते हैं हम इसे पिछले ग्रेड्स में हमने अच्छी तरह पढ़ा है एज वी कैन रिकॉल फ्रैक्शन एज ए पार्ट और इन बिटवीन वैल्यू ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स दो होल नंबर्स दो जुड़े हुए एक साथ आने वाले जो जो दो नंबर्स हैं उनके दरमियान का जो पार्ट है या इन बिटवीन वैल्यू है उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन इसके लिए यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन बनाई है इससे आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं पीछे भी हम पिछले सालों में पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ नंबर लाइन तो इसमें जो ज़ीरो है वो सेंटर के पॉइंट पर है और ज़ीरो से लेकर वन तक अगर अगर हम जाएँ तो ज़ीरो और वन के दरमियान में जो पार्ट है वो है वन अपॉइंट टू इसको ये थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट आउट हो गई है ये जो रेड कलर का पार्ट है ये वन अपॉइंट टू है तो ये इसका फ्रैक्शन पार्ट है जाहिर है कि ज़ीरो से वन तक जो हम ट्रैवल करेंगे तो इसकी इन बिटवीन कुछ पोर्शन हम ट्रैवल करेंगे तो एक्जैक्टली exactly सेंटर में कौन सा कितना पोर्शन हो जाएगा वो हाफ हाफ वे हो जाएगा तो इस हाफ वे को कहेंगे हम वन अपॉइंट टू सिमिलरली वन से टू तक अगर हम जाते हैं तो इसके तो डायरेक्ट वन से टू पे हम जंप नहीं कर सकते जाहिर है तो इनके इन बिटवीन में एक रेड कलर का जो मैंने यहाँ पे डिनोट किया ये हाफ वे हो जाएगा तो इस जगह पे हमने कितना ट्रैवल कर लिया ज़ीरो से हमारा फासला हो जाएगा वन एंड हाफ़ वन होल नंबर एंड हाफ़ तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि दो कॉन्जिकटिव नंबर्स या दो पॉइंट्स के दरमियान में इन बिटवीन जो पार्ट है उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट या फ्रैक्शंस के ज़रिए जाहिर कर सकते हैं और यही हमारी p अपॉन q की फॉर्म कहलाएगी और ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है देखिए जीरो के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव में ये दिखाया गया जैसे माइनस वन अपॉइंट टू इससे आगे चलेंगे अगर माइनस वन और माइनस टू के इन बिटवीन माइनस वन होल नंबर वन अपॉइंट टू हो जाएगा यहाँ पर कॉमन फ्रैक्शंस को हम ये भी समझ लें कि डेसिमल फ्रैक्शंस से भी जाहिर कर सकते हैं ये भी हमें पिछले ग्रेड्स में हम सीख चुके हैं कि बड़ी आसानी से हम कॉमन फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं एग्जाम्पल ये है जैसे वन अपॉन्ट टू है यानी टू से वन को डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा जीरो पॉइंट फाइव डेट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि डेसिमल फ्रैक्शन कंप्लीट हो गई ख़त्म हो गई यानी जीरो पॉइंट फाइव के आगे कुछ नहीं है ठीक है एंड हो गया इसका सिमिलरली एग्जाम्पल टू देखिए वन अपॉन थ्री इसमें क्या हो रहा है थ्री से वन को डिवाइड करेंगे अगर तो जीरो पॉइंट थ्री 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 और ये कंटिन्यूसली थ्री जो है रिपीट होता चले जाएगा ये जो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है इज अ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन इन विच ए नंबर इज रिपीटिंग और रिकरिंग क्या नंबर यहाँ पे रिकरिंग कर रहा है डेसिमल पार्ट में थ्री थ्री मुसलसल रिकरिंग कर रहा है इसी तरह एक और एग्जाम्पल थ्री है वन अपॉन्ट सेवन इसमें देखिए क्या हो रहा है जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन वन फोर टू एट फाइव सेवन वन टू फोर टू एट फाइव सेवन तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है जिसमें ग्रुप ऑफ नंबर्स जो हैं वो रिकरिंग हैं ग्रुप ऑफ नंबर्स आर रिपीटिंग रिकरिंग अगेन एंड अगेन तो ये ऐसे नंबर्स जो या तो टर्मिनेटिंग हों या रिपीटिंग और रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हों होंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट में यानी डेसिमल पार्ट में या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ग्रुप ऑफ नंबर्स मौजूद हो यानी खुद को दोहराने वाला एक ग्रुप ऑफ नंबर्स हो एक ही जैसे नंबर्स का एक ग्रुप है वो बार बार आ रहा है बार बार रिपीट हो रहा है तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स यानी हर नंबर रेशनल नंबर नहीं होता बल्कि यानी होल नंबर्स को तो हम रेशनल नंबर्स मान लेंगे होल नंबर सारे रेशनल नंबर है चाहे वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों लेकिन जब फ्रैक्शंस की बात होती है तो उसमें हम ये देखेंगे कि डेसिमल पार्ट के अंदर ये तीन कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन पूरी हो रही है या नहीं या तो ये टर्मिनेटिंग हो अच्छा टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग की सूरत में नंबर एक ही नंबर ख़ुद को रिपीट कर रहा हूँ कंटिन्यूसली ठीक है और उसमें एक बार भी कोई डिफरेंट नंबर हुआ तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं होगा फिर उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या होगी कि ग्रुप ऑफ नंबर्स हो और वो बार बार ख़ुद को रिपीट कर रहा हो ठीक है तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स हैंस दे आर ऑल कॉल्ड रेशनल नंबर्स अब अगर हम गैस करें तो इेशनल नंबर्स क्या होंगे जो इन तीन कंडीशंस को पूरा नहीं कर सकते हो यानी वो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग हो ठीक है यानी कंटिन्यूसली वो प्रोडेसिमल पार्ट उनका कभी ख़त्म ना हो और डेसिमल पार्ट में जो नंबर हैं वो ख़ुद को रिपीट भी नहीं कर रहे हों और उनमें कोई ग्रुप भी मौजूद ना हो तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे इरेशनल नंबर आइए देखते हैं इसको सम्भाव डिटेल्स के साथ या, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑर्डर इस तरह का ना बने नंबर्स का कि जिसमें नंबर्स या तो रिपीट हो रहे हों या ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहे हों तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम ये फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं वो होती हैं नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस ऑल सच फ्रैक्शन कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते द नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाई सच फ्रैक्शन आर कॉल्ड इेशनल नंबर्स इस तरह के फ्रैक्शंस जो के जाहिर करती हैं नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को इन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स इसकी बहुत अहम इंपॉर्टेंट मिसाल है पाई ये मतलब ये जो निशान है ये सिंबल है ये पाई ये ग्रीक अल्फाबेट है पाई ठीक है तो पाई पाई क्या होता है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ अ सर्कल सरकमफ्रेंस कैसे कहते हैं ये एक सर्कल यहाँ पे मैंने देखी ये बनाया हुआ है इसमें ये जो ब्लू लाइन है इसको अगर मैं यहाँ से सर्कल को तोड़ के इसको सीधा कर लूँ और इसको मेजर कर लूँ तो ये जो लेंथ होगी यानी ये जो सर्कुलर पार्ट की जो लेंथ होगी इसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस क्या कहते हैं सरकमफ्रेंस ठीक है और डायमीटर हमें मालूम है डायमीटर क्या है कि सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली एक ऐसी कॉर्ड है जो कि उसके सेंटर से गुजरती है ठीक है एक ऐसी कॉर्ड जो कि सेंटर से गुजरती है और सर्कल के टू पॉइंट्स को ये मिलाती है ठीक है तो दोनों की का जो रेशो है उसको हम कहते हैं पाई यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ ए सर्कल इसको नॉर्मली 22 टू अपॉन्ट सेवन से भी जाहिर करते हैं ये हमेशा एक फिक्स नंबर है आप चाहे कितना छोटा सा एक सर्कल ले लें ले या बड़े से बड़ा सर्कल ले लें ले यानी यूँ समझ लीजिए कि एक आप अपनी कॉपी पे एक छोटा सा सर्कल ड्रा कर लें या सूरज जितना एक बड़ा सर्कल भी ड्रा हो तो उसमें भी यही रेशो यही नंबर जो है फिक्स रहता है और पाए पाए क्या है ये पाई है सरकम फ्रेंस ऑफ ए सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ ए सर्कल और उसकी वैल्यू है थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन टू सिक्स एंड सो ऑन तो ये नंबर जो है देखिए इसमें ना तो कोई नंबर रिपीट हो रहे हैं कंटिन्यूसली और ना ही ग्रुप ऑफ नंबर या ऑर्डर ऑफ नंबर्स कुछ बन रहा है तो इस तरह के नंबर्स को कहते हैं इ नंबर्स ये दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर इसी तरह एग्जाम्पल टू है अंडर रूट ऑफ टू टू का अंडर रूट अंडर रूट का कॉन्सेप्ट हमने ग्रेड सेवन में भी दिया था यानी हाफ पावर ऑफ टू तो ये इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो वन पॉइंट फोर वन फोर टू वन थ्री फाइव एंड साम इस तरह ये चलता रहेगा इन्फाइनेटली ठीक है तो इसमें भी देखिए कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है ये और नॉन रिकर रिकरिंग ग्रुप ऑफ नंबर्स और डेसिमल पार्ट में ठीक है तो ये एक इेशनल नंबर है इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखिए जीरो पॉइंट जीरो टू डबल ज़ीरो टू ट्रिपल ज़ीरो टू ट्रिपल ज़ीरो टू ज़ीरो टू इज़ अ नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इन विच देयर इज देयर इज नॉट अ सिमिलर रिपीटिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट्स ज़ीरो एंड टू ठीक है देयर इज़ नॉट अ सिमिलर रिपीटिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट्स ज़ीरो एंड टू यानी इसमें देखिए कि डिसिमिलर पार्ट के अंदर ज़ीरो टू नंबर्स तो आ रहे हैं लेकिन इसमें कोई सिमिलर रिपीटिंग ऑर्डर नहीं है इरेशनल नंबर्स आर डिनोटेड इन द सेट बिल्डर फॉर्म एज क्यू डैश रेशनल नंबर्स को क्यू से जाहिर करते हैं डिनोट करते हैं तो यहाँ इरेशनल नंबर्स को क्यू डैश से जाहिर किया जाएगा और से हम यू लिखा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच डेट एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू एंड पी एंड क्यूज आर मेंबर्स ऑफ इंटीजर सेट एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होपफुली रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आपको इस जहन में अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेट ऑफ रियल नंबर्स तो रियल नंबर्स क्या है? यूनियन ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स Q एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स Q- डैश इस कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स डिनोटेड बाय कैपिटल R। मतलब क्या हुआ कि ये एक बड़ा सेट है जिसमें तमाम रेशनल और इरेशनल नंबर्स नंबर सारे आ जाते हैं यानी ये यूनियन है क्यू और क्यू डैश का अब अगर हम इसे सेट की फॉर्म में लिखें तो आर इक्वल्स टू क्यू यूनियन क्यू डैश और इसको सेट बिल्डर फॉर्म की फॉर्म में लिखें अगर तो आर इक्वल्स टू एक्स साइडेड एक्स बिलोंग्स टू Q और X बिलोंग्स टू Q डैश अब जाहिर है कि रियल नंबर्स के अंदर यूनियन बन जाती है किसकी रेशनल और इरेशनल नंबर्स की तो हम ये कह सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर दोनों टाइप के सेट्स जो खुद भी इनफाइनाइट सेट्स हैं वो रियल नंबर्स के सबसेट हैं ठीक है ठीके? तो ये दीज आर द सबसेट्स ऑफ रियल नंबर बाय द अबॉफ डेफिनेशन वी कैन फाइंड डेट ऑल सेट्स एज डि प्रीवियसली आर सेट ऑफ रियल नंबर्स और हकीकत यही है कि रियल नंबर्स के ही सारे सबसेट्स हैं जितने सेट्स हमने यूनिट वन में पढ़े हैं वो और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये सब के सब दरअसल सबसेट किसके हैं रियल नंबर्स के एक्सपोनेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सपोनेंट है इसे अच्छी तरह गौर से समझिए इन जनरल वी कैन डिफ़ाइन एक्सपोनेंट एज दिन टाइम्स फैक्टर्स of a real number a and is denoted by a power n a ke upar ek n chhota sa likha hua hai power ke upar in the symbol a power n read as nth power of a isko hum padhte hain nth power of a a is called the base of the exponent and n is the index or power of a तो अब ये देखिए कि, कि इसमें इस बात को समझ लें कि हम जनरली हम इसको एक्सपोनेंट को डिफाइन ये कर सकते हैं कि दरअसल ये किसी बेस नंबर ए के एन फैक्टर्स हैं एन टाइम फैक्टर्स फैक्टर्स का मतलब है Factor कि ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ठीक है ना तो अब ए पावर एन इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए डॉट 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 ए यानी आखिर तक ये ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा वी आर एन इज़ अ नेचुरल नंबर एन कोई नेचुरल नंबर होगा ठीक है एग्जाम्पल इसकी ये फॉर एग्ज़ाम्पल फाइव पावर थ्री या थर्ड पावर ऑफ इसको यूँ कह लें थर्ड पावर ऑफ़ फ़ाइव तो फाइव एक्सपोनेंट थ्री या फ़ाइव पावर ऑफ़ थ्री दो मुख्तलिफ तरीक़ों से जिसमें हमें आसानी या सहूलत होती है उसे हम रीड कर सकते हैं फ़ाइव पावर थ्री या हम इसको नॉर्मली एलजब्रिक अंदाज़ में अगर बोलें तो इसको कहते हैं फाइव क्यूब क्या कहते हैं फाइव क्यूब तो फाइव क्यूब का मतलब क्या है फाइव को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है कितनी बार तीन दफ़ा फाइव मल्टीप्लाइड बाई फाइव मल्टीप्लाइड बाई फाइव एक टू फाइव फाइव जै ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फाइव जै वन ट्वेंटी फाइव इसको करेक्ट कर लीजिएगा ये ट्वेंटी फाइव नहीं बल्कि टाइपिंग मिस्टेक है वन ट्वेंटी फाइव ठीक है सिमिलरली टू पावर माइनस फोर यहाँ देखिए टू पावर माइनस फोर ये एक नेगेटिव पावर है तो इसको हम पहले पॉजिटिव बनाएंगे पॉजिटिव बनाने का मेथड क्या है कि हर हमने पढ़ा पीछे कि हर नंबर जो है वो एक जो रेश रेस् अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर हम उसको ज़ाहिर कर सकते हैं तो वो उसके अपॉन में भी कुछ ना कुछ मौजूद है यानी अपॉन में वन है अगर कुछ नहीं है तो उसको हम कहते हैं वन तो अब ये देखिए ऊपर नोमिनेटर में टू की ऊपर पावर लगी हुई है माइनस फोर इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं देखिए आगे मैंने वन अपॉन टू पावर फोर लिख दिया जब डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो ये नेगेटिव पावर कन्वर्ट कर देते हैं पॉजिटिव पावर में तो वन अपॉन्ट टू पावर फोर हम इसे लिख सकते हैं अगले स्टेप में देखिए वन अपॉन टू पावर फोर का मतलब ये कि टू को इट्सल्फ यानी अपने आप से फोर टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें टू मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू अच्छा अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि टू को फोर से मल्टीप्लाई कर नहीं टू पावर फोर का मतलब ये है कि जो बेस नंबर है कोई भी बेस यहाँ पे टू है तो टू को अगर यहाँ थ्री होता तो थ्री को ठीक है तो बेस को अपने आप से इतने टाइम्स जो पावर है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है टू मल्टीप्लाइड बाई टू फोर फोर टू ज़ा एट एट टू ज़ा सिक्सटीन तो आंसर होगा वन अपॉन सिक्सटीन तो ये एक्सपोनेंट है एक्सपोनेंट का मतलब ये हुआ कि किसी भी बेस नंबर के ऊपर कोई पावर लिखी हुई है तो इसका मकसद ये होगा कि बेस नंबर को उस पावर के टाइम्स में मल्टीप्लाई करना है अपने आप से अब यहाँ पे कुछ याद रखने की बातें इन्हें अच्छी तरह जहन में अपने बिठा लीजिए इसे याद कर लें और ये बार बार क्योंकि ये इस्तेमाल में आएंगी आगे तो इफ़ ए इज़ ए पॉजिटिव रियल नंबर अगर बेस नंबर जो है ए वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है पॉजिटिव नंबर है दैन ए पावर एन इज़ पॉजिटिव तो उसके ऊपर कोई भी पावर हो वो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा फॉर एग्जाम्पल ऊपर जैसे हमने एग्जाम्पल दिए या यहाँ दे रहे हैं कि टू पावर क्यूब या टू क्यूब इक्वल्स टू टू मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू देखिए बेस नंबर क्या है टू ये एक पॉजिटिव नंबर है अब इसके ऊपर कोई भी पावर हो चाहे थ्री हो चाहे फोर हो ठीक है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर एट ही होगा ठीक है अब आगे चलिए इफ ए इज़ नेगेटिव रियल नंबर एंड एन इज़ इवन देन ए पावर एन इज़ पॉजिटिव मतलब ये कि बेस नंबर अगर नेगेटिव हो और उसके ऊपर पावर जो है वो इवन नंबर हो यानी टू फोर सिक्स एट टेन यानी इवन नंबर में पावर हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा एग्जांपल देखिए बेस नंबर है माइनस थ्री उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है यानी पावर क्या है टू है इसकी तो मतलब क्या होगा माइनस थ्री को अपने आप से दो बार मल्टीप्लाई करो यानी माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई माइनस थ्री तो अब देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती तो ये प्लस हो जाएगा थ्री थ्री जा, नाइन तो इससे ये जाहिर हुआ है कि अगर पावर इवन हो तो बेस नंबर चाहे नेगेटिव भी हो जाए तो वो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा नेक्स्ट रूल ये याद रखिए कि इफ ए इज नेगेटिव रियल नंबर एंड एन इज़ ऑड दैन ए पावर एन इज़ नेगेटिव मतलब ये कि ए जो है आपका बेस वो एक नेगेटिव रियल नंबर हो और पावर जो उसके ऊपर हो वह ऑड नंबर हो तो ए पावर एन जो है वो नेगेटिव होगी एग्जाम्पल अगेन माइनस थ्री वही नंबर है और ऊपर पावर है थ्री और थ्री कौन सा नंबर है ऑड नंबर है तो थ्री को जब आप तीन दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री को माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय माइनस थ्री यानी माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस तो माइनस आ जाएगा और थ्री थ्री जी नाइन नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन तीन दफ़ा अपने आपसे मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस ट्वेंटी सेवन होगा तो मकसद ये हुआ कि अगर पावर इवन होगी तो नेगेटिव बेस नंबर भी रिजल्ट देगा पॉजिटिव का अगर पावर ऑड नंबर में होगी तो नेगेटिव बेस नंबर का आंसर नेगेटिव ही एक आंसर होगा होपफुली आप इसको समझ गए होंगे इसको अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिए अल्लाह हाफिज़